परिवहन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। 915 मीटर लंबी केबल क्रेन नदी के आर पार स्थापित की गई है। यह विश्व की सबसे बड़ी क्लोजिंग शुरू कर दी गई है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए। हम सभी साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक पल के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, वहां जहां नजर हमारी जाएगी जा रही है, जहां पर रंग बिरंगे आपको झंडे दिख रहे हैं, गुब्बारे दिख रहे हैं, वही वो जगह है जहां पर इस आर्च सेगमेंट को आज रखा जाएगा और ये आर्च पूरी तरह से कंप्लीट हम समझ सकते हैं कि अब होने जा रही है थोड़े ही समय में। मेहराब का वजन जो है 10,000 टन से ज्यादा है। जब ये पूरा हो गया है इसके बाद वजन और ज्यादा हो जाएगा। सभी मौसमों में आरामदायक सफर और समय की बचत के साथ जम्मू और कश्मीर के दूर दराज क्षेत्रों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। साथ ही इस परियोजना से पर्यटन उद्योग पूरी गति से बढ़ेगा और क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। उत्तर रेलवे का यह कदम जम्मू कश्मीर के विकास को गति देगा, जिसके बाद कश्मीर घाटी भारतीय रेल नेटवर्क के नक्शे पर सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन साबित होगी। उत्तर रेलवे ने दी राष्ट्र की प्रगति को नई गति। उन इलाकों की हम बात करें जहाँ पर ये सारी की सारी जगह जो कश्मीर वैली को सीधा सीधा खतरा से कनेक्ट करेंगी, अगर हम इसकी बात करें इलाका है और लगातार बार एक नई डेडलाइन मिली है, लेकिन इस बार हम कह सकते हैं जो डेडलाइन दी गई आज की वो कहीं ना कहीं अपने समय पर पूरा हो रहा है, क्योंकि इतनी बार डेडलाइन बदल दी गई है तो उसके बाद आप देखें किस तरीके से ये आपने
के अंतर्गत भारतीय रेलवे चिनाब नदी पर एक मेहराबदार पुल का निर्माण कर रही है। 467 मीटर के मुख्य आर्च स्पैन के साथ ये पुल कुल 17 स्पैन वाला है। नदी की तलहटी से 359 मीटर ऊंचा ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। ये नायाब कीर्तिमान जो भारतीय रेल रचने जा रही है, उसके आप सभी साक्षी बन रहे हैं। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं सीओ कंस्ट्रक्शन USBRL प्रोजेक्ट से उनके स्वागत संबोधन के लिए। नमस्कार। आदरणीय माननीय रेल मंत्री जी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, महाप्रबंधक उत्तर रेलवे, CMD KRCL, VC लिंक से जुड़े समस्त लोग, उपस्थित प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण, उत्तर रेलवे, कोंकण रेलवे एवं CBPU के समस्त लोग, भाइयों एवं बहनों, भारतीय रेलवे की ओर से यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यह अवसर पूरी भारतीय रेलवे के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। हमारा सौभाग्य है कि आज आप सबकी उपस्थिति एवं आशीर्वाद से उत्तर रेलवे के कर कमलों द्वारा चिनाब नदी पर बन रहे पुल के आर्च का कार्य पूरा किया जा रहा है, अर्थात आर्च को क्लोज किया जा रहा है। इस आर्च को क्लोज टेस्टिंग के लिए NABL मान्यता प्राप्त लैब स्थापित की गई है। अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंटेशन द्वारा इस ब्रिज की निगरानी और चेतावनी प्रणाली को भी लगाया जाएगा। अंत में मैं यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और उन समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को जिनके अथक प्रयास से इन विषय परिस्थितियों, लेकिन जैसे ही ये आर्च का पीस लग जाएगा उसके बाद ये केबल्स निकाले जा सकते हैं और आर्च अपने आप खड़ी हो जाएगी। यही एक जादू है आर्च का, जिसकी वजह से आज हम इसको इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आर्च ये कंप्लीट हुई। जब ये ब्रिज बनना शुरू हुआ था कई साल पहले, बहुत से लोगों को ये विश्वास ही नहीं था कि हाँ ब्रिज बन सकता है। लेकिन मैं जो सर्वे करने वालों को मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ और उनकी बधाई देता हूँ कि उनने ये जगह चुनी। ये केहिल एक ही जगह है, यहाँ से आप रामबन की तरफ जाइए, यहाँ से रियासी की तरफ जाइए तो कहीं पर गॉर्ज नहीं है। यही एक जगह है जहाँ आर्च बन सकती थी, जहाँ इसको चिनाब को इस हाइट पर क्रॉस किया। उपस्थित प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि भाइयों एवं बहनों, भारतीय रेलवे की ओर से यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह अवसर हमारी पूरी भारतीय रेलवे के लिए अत्यंत ही गौरवपूर्ण है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम चिनाब नदी पर बन रहे इस रेल पुल के मुख्य आर्च के निर्माण कार्य के अंतिम चरण यानी इसके ऊपर क्राउन कोटेड प्रणालियों को समावेश किया गया है। माननीय रेल मंत्री जी ने समय समय पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर इस प्रोजेक्ट के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन किया है। अन्य क्षेत्रों में भी रेलवे को आधुनिकता की ओर ले जाने की दिशा में अत्यंत